जयपुर की मालवीय नगर विधानसभा सीट जयपुर की 8 विधानसभा सीटों में सबसे अहम है। यहां से एक जीत के लिए कांग्रेस 15 साल से इंतजार कर रही है। पिछली बार चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की जीत का अंतर बेहद कम रहा। इस बार फिर से दोनों ही नेता आमने सामने हैं। कांग्रेस ने फिर से अर्चना शर्मा पर भरोसा जताया है और उधर बीजेपी से जीते हुए कालीचरण सराफ को फिर से पार्टी ने टिकट दिया है। क्षेत्र की 5 बड़ी समस्याएं हैं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या है कच्ची बस्तियां। झालाना और मनोहरपुरा कच्ची बस्ती ऐसी है मानो मखमल में टाट का पैबंद। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है इन बस्तियों को बसाने का, लेकिन दोनों ही लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है सीवरेज और खुले नाले की। गौरव टावर जैसा इलाका जो शायद पूरे राजस्थान में इकलौता है, जहां एक एक दुकान की कीमत करोड़ों की है, लेकिन वहीं 50 कदम दूर खुला नाला हमेशा महकता रहता है, उसका समाधान कोई नहीं कर सकता है। तीसरी बड़ी समस्या है कॉलोनी में अपराध। घर के बाहर गाड़ी खड़ी हो वे दिन में ही चोरी हो जाती है। जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र ऐसा इलाका है जहां पूरे राजस्थान के सबसे ज्यादा वाहन चोरी होते हैं। चौथी समस्या नशा। रात तक पब हुक्का बार खुले रहते हैं, जो वहां नहीं जा पाते वे कॉलोनियों के पार्क में रात के अंधेरे में बैठकर सूखा नशा करते हैं और फिर अपराध में जुट जाते हैं। पांचवीं बड़ी समस्या है ट्रैफिक। हर दूसरे घर में कार है और ऊपर से अब ई रिक्शा यहां तक भी पहुंच गए हैं। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में 2-3 कच्ची बस्तियां हैं, उनमें अवैध रूप से लोगों को बसाया गया है, जो बांग्लादेशी भी है, रोहिंग्या भी है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिससे अपराधों का ग्राफ यहाँ पे बढ़ गया है। ऐसे लोगों को हम जो भी विधायक चुन के आएगा उससे यही मांग रखते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको उनके वर्तमान जो उनकी जगह उनको वहीं पहुँचाया जाए। बांग्लादेशी है तो बांग्लादेश भेजा जाए, रोहिंग्या है तो उनका जो स्थान है वहाँ भेजा जाए, जिससे अपराधों पे अंकुश लग सके। हम क्राइम को लेकर के ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि अब राजस्थान में जयपुर में सबसे ज़्यादा क्राइम होने लग गया और सबसे ज़्यादा जो अब जयपुर में हो रहा है मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में, हमें ये उम्मीद है कि यहाँ के जो भी विधायक हैं तो वो एक तो नवयुवक जितने भी हैं जो आजकल नशे के आदि हो चुके हैं और जयपुर भी एक उत्तर पंजाब की तरह हो चुका है करीब करीब, और रात होते ही दारू के नशे में अफीम ड्रग्स या गांजा इनका सेवन लोग बहुत ज़्यादा करके और बाइकों से उत्पात मचाना और झगड़े करना रोडों पे, और बचा कुछा जो काम है ये रूट तो जितने भी बार बने हुए हैं जो 12-11 बजे इनकी परमिशन है बंदों ने की, जो रात के 3-4 बजे तक ऊपर देते हैं, ये इनको नशा प्रोवाइड करवा के नवयुवकों के शरीरों में जहर घोल रहे हैं। जहाँ शिक्षा की जरूरत है वहाँ इन्हें जहर दिया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं विधायक साहब से कि इन पे एक अंकुश एक अच्छी लगाम लगी जाए, जिससे ये नवयुवक पीढ़ी गलत दिशा में जा पाए। सरकार से मेरी यह उम्मीद है कि जिस तरह पिछले 5 सालों में दर्जनों पेपर लीक के मामले सामने आए, उससे लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। इसलिए अब की बार जो सरकार आती है, मैं उससे यही चाहूंगा कि वो पेपर लीक जैसे मामलों को गंभीरता से ले, ताकि युवाओं का भविष्य बर्बाद होने से बचे और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले।